यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की जंग में शिवसेना ने कूदने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूपी में किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के साथ हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन हम राज्य में अब बदलाव चाहते हैं। हम यूपी में लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि हम पहले बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवसेना 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मैं कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा करूंगा। हालांकि इससे पहले शिवसेना की समाजवादी पार्टी से गठबंधन की अटकलें चलती रही थी। दिसंबर में ही शिवसेना के राज्य प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह ने शिवसेना के यूपी चुनाव लड़ने की बात को स्पष्ट कर दिया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने चुनाव को लेकर सभी बातें साफ नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ यूपी के रण में हर पार्टी अपना दमखम दिखाने में जुटी है। इस बार चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस और बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और बीजेपी भी उतरने जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिवसेना के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी। वहीं संजय राउत ने इस तरफ इशारा भी किया है कि वो आज तक यूपी चुनाव इसलिए नहीं लड़े क्योंकि वो बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान बताता है कि शिवसेना बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी।